Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा. आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एजीडर्म क्रीम के बारे में. तो ये जो एजीडर्म क्रीम है ये एसलिक एसिड से मिलकर बनी होती है जो कि एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने में एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है. ये जो एसलिक एसिड होता है ये ज़्यादातर ग्रेन्स में पाया जाता है, नेचुरल ग्रेन्स में पाया जाता है जैसे बार्ले में, वीट में. इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हमारी जो स्किन होती है उसके पोर्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्किन पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक्ने की, पिंपल की, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ये उन बैक्टीरियाज़ को किल करता है. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि स्किन पे जो पिंपल्स होते हैं जिनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिनमें रेडनेस होती है, ये उनको भी दूर करता है. साथ ही साथ जब आपके पिंपल को ठीक करेगा तो दाग धब्बे नहीं छोड़ेगा, पहले से जो दाग धब्बे हैं उनको भी ट्रीट करता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगा. ये तीन कॉम्पोजिशन में अवेलेबल है, एक 10%, 20% और 15%. अगर आप बिगनर हैं तो आप 10% से ही स्टार्ट करें. अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है. तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए और इसको अप्लाई कर लीजिए. आप चाहें तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ मैं पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे इधर कॉर्नर्स पे कई जगह छोटे छोटे दाने भी रहते हैं तो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ. आपको अगर बड़े बड़े दाने हैं तो आप केवल उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर छोटे छोटे दाने हैं तो फिर आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं. वैसे तो इस क्रीम को आप दो टाइम अप्लाई भी कर सकते हैं पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि दिन में अप्लाई करो. आप सिर्फ रात को अप्लाई करें और ओवरनाइट आप अप्लाई करके रख सकते हैं. अगर आप इस क्रीम को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए. क्या होता है जब भी आप कोई क्रीम लगाते हैं तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. कुछ लोगों की ऐसी स्किन होती है जिस पर कोई भी नया चीज़ आप लगाते हो तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है. तो हो सकता है पहले आपके पिंपल्स ज़्यादा बढ़ जाएँ फिर धीरे धीरे ट्रीट करें. जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना दिन में बिल्कुल भी ना भूलें. ये क्या कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है. समझना कि आप ज़्यादा अमाउंट में लगाओगे तो ये ज़्यादा असर करेगी. सफिशियंट अमाउंट लेके ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें. इसको लगाने के लिए मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से एक पतली लेयर बना लीजिए और इसको लगा लीजिए. तो सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी स्किन पे कट्स हैं, कुछ घाव वगैरह हो गए हैं, एलर्जीज़ है, तब आप इसको यूज़ नहीं करें. और अगर यूज़ करना चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. ऐसे ही आप प्रेग्नेंट हैं अगर तब भी आप इसको यूज़ ना करें. वैसे तो ये सेफ़ है पर प्रेगनेंसी में आप ऐसी चीज़ें यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें. इनका 15 ग्राम का पैक आता है जो कि 250 रुपीज़ का आता है और इस पर डिस्काउंट मिल जाएंगे. ऑनलाइन ऑफलाइन ईजिली अवेलेबल है. ऑफलाइन आपको किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको परचेज कर सकते हैं. और अगर ये क्रीम एजीडर्म नाम से आपको नहीं मिलती है तो मैं इसके ऑल्टरनेटिव दे दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं, वो भी सेम काम ही करते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं. ज़रूरी नहीं है हर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो पर कुछ लोगों को हो सकता है. तो अगर आपकी स्किन पे ईचिंग हो इसको लगाने के बाद, बर्निंग हो, तब आप इसको लगाना बंद कर दीजिए. इसको लगाने के बाद भी आपकी स्किन पे थोड़ी सी ड्राइनेस हो सकती है, स्किन पील हो सकती है, तो वो नॉर्मल है. ज़्यादातर जो एक्ने ट्रीटमेंट है वो जब भी हम यूज़ करते हैं तो उनको लगाने के बाद थोड़ी सी पीलिंग ड्राइनेस हो जाती है. आप बस एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें. कहते हैं इसको कितने दिन तक यूज़ करना है तो एक दो दिन में आपकी स्किन पे कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. इसको लगाने के बाद जब आप इसको 1 वीक तक यूज़ करेंगे तब हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आए. इसकी कंप्लीट रिजल्ट मिलने के लिए आपको 4 वीक तक इसको लगाना पड़ेगा. इस क्रीम को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी यूज़ नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको जब पिंपल हुए हो, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हुई हो तब आप लगाइए. आपको ठीक होते नज़र आने लगे, ठीक हो जाए, फिर इसको आप लगाना बंद कर दीजिए. ऐसा नहीं है कि आप इसको सालों साल यूज़ कर रहे हैं. कुछ लोग नई चीज़ देख के बहुत जल्दी नई क्रीम्स वगैरह ट्राई करने का सोचते हैं. मेरे चैनल पर ऑलरेडी आपको क्लिंडामाइसिन, बेंजोइक पेरोक्साइड, रेटिनॉल, ये इन सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया है. अगर वो सारी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें. अगर वो सारी चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं तब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. एक बार आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं. आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अभी भी कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करना. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.